प्रामाणिकता यह है कि अगर पिता का नाम भी सत्येंद्र है, पत्नी का नाम सरिता है और बेटे का नाम सोनू, तो एक की जवानी बिगड़ जाएगी, एक का बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। जथे नामे तथे गुणा। रामचरितमानस को पढ़ें। जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो लिखा था, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जथे नामे तथे गुणा। विवाह हो गया है, यथार्थता है। अगर हम ज्योतिषियों को प्रमाणिकता को माने तो दोनों का रक्त वर्ण एक था और कुछ नक्षत्रों का दोष था, इसलिए दोनों का जीवन सुखद नहीं हो सकता था। आज वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ है और विवाह की परंपरा यह है कि भाई अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने जाता है। प्रकृति ने सोचा, अगर इनका विवाह सही हो गया, विदाई पूरी हो गई, तो फिर उसका क्या होगा जो वादा किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवेत् भारत। देव ऋषि नारद का आगमन होता है और रथ को रोक देते हैं। देव ऋषि नारद ने रथ को रोक दिया और उसी व्यवस्था में आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तू सुख से विदा करने जा रहा है उसी की आठवीं संतान से मृत्यु हो। देव ऋषि नारद ने समझाना शुरू किया, बहन ने रुदन किया, अरे मेरे भैया, तू वही मेरा भाई है जिसकी कलाई में मैंने राखी बांधी है, तू वही मेरा भाई है जो मेरे लिए करता था। एक पल में मृत्यु भय में भाई बहन का प्यार खत्म हो गया और बहन के केसों को एक हाथ से कंस पकड़ता, दूसरे से खड़ग उठा देता है। कल्पना करिए, बहन रुदन करती है, नहीं भैया, नहीं भैया। बस देव ने विवेक से काम किया, कहा प्रभु आपको बच्चे ही चाहिए, आप हमें पहुंचा दो, हमारे हर पुत्र को आपके हवाले कर दें। कंस ने स्वीकार भी किया, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। अरे कंस, क्या कर रहे हो? बोले मैं ये कर रहा हूं। अच्छा, ये लोग पहला पुत्र आठवां हो सकता है और आठवां पहला हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इधर से गिनो, तो यहाँ यही तो हो रहा है। नेता कोई भी बने, मिनिस्टर कोई भी बने, मरना तो गरीब को ही है। मरना तो गरीब को ही है ना, चाहे इस द्वार से आओ तो यही आना, इधर से आओ तो यही। ऐसा भ्रमित किया और कंस ने ले जा करके अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। ईश्वरीय शक्ति से आनंद की स्थिति में आने के बाद प्रथम पुत्र की मां बनती है, कंस आता है। वो मां अपने बच्चों को देख नहीं पाती है, उसको लेकर आकाश मार्ग में फेंक देता है, नीचे से बर्छी लगा देता है। एक दो तीन चार पांच पुत्रों की हत्या हो गई। अचानक यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य का आगमन होता है। गुरु के सामने वासुदेव रुदन करते हैं, महाराज क्या करूं? बोले मां भगवती की साधना करो। वसुदेव ने कहा, मैंने सुना है कि अगर शिष्य साधना करे तो गुरु को कीर्ति मिलती है और अगर गुरु साधना करे तो शिष्य का जीवन सुखद हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। तो गर्गाचार्य जी ने जा करके विंध्य पर्वत पर साधना किया और वहां से पैदा हुई विंध्यवासिनी माता। एक के बाद ऐसे पुत्रों की हत्या होती है।
माया ने रोहिणी के गर्भ से परिवर्तन किया, भगवान के प्राकट्य की घड़ी आई है। जिस दिन से भगवान, कुछ माताएं कहती हैं, ले आओ बैठा दो इधर, आप ले आओ उन लोगों को, कि जब बच्चा गर्भ में आता है उसका तेज बता देता है कि कन्या होगी या पुत्री, बेटा होगा या बेटी। भगवान गर्भ में आए हैं, आनंदित तो हो गए हैं, देवकी के चेहरे में हर्ष उल्लास और तेज बढ़ गया है। नक्षत्र ग्रह वार तिथि निर्धारित हुआ और देखते ही देखे भगवान बिहारी जी ने तेज पुंज स्वरूप में अवतार लिया। बोल बाके बिहारी लाल की, प्रकट कृपाला दीन दयाला कतिला अष्टमी रात काली, भादों की